नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। पहले मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद मुझे बाजार जाना है कुछ सामान लाने। एक जगह और जाना है, बिटिया का मसवारा है कपड़ा देने, वहाँ कपड़ा दे आएंगे क्योंकि छठी पहले ही हो गई थी, हम यहाँ थे नहीं, तो उसको उस कपड़ा देने जाना है। उसकी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना नहीं अलाउ है, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। वहाँ जाकर कपड़े दे के उसके बाद फिर बाजार आएंगे। बाजार से थोड़ा बहुत सामान लाएंगे, जो सामान लाएंगे बाजार से घर का, झाड़ू वगैरह नहीं है क्योंकि चले गए थे तो बरसात में झाड़ू खराब हो गया, दूसरी झाड़ू लाएंगे। ये हमने आलू काटा है, ये टिंडा काट लिया है, ये देखिए टिंडा काट लिया है, आलू काट लिया है। आज हम बनाएंगे आलू टिंडे की सब्जी। आप लोग वीडियो बने रहिए, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। दाल चावल और आलू टिंडे की सब्जी बनाएंगे। हम चल रहे हैं दाल बनाने। दाल डाल दें, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, हींग, दाल। सुनो का सूरज कहीं नहीं हाँ। कि हमने वो का नाम है दिखाई दे। अब हम दाल चढ़ा देंगे। दिन में पापड़ बनाए थे उसका तेल बचा था, उसी को से सब्जी बना लेंगे, नहीं तो फेंक जाएगा। हमने इसमें तेल डाल दिया। डालेंगे मेथी, जरा सा हींग, लहसुन, प्याज, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, हरा मिर्चा तीन और थोड़ा सा अदरक पीस लिए हैं। अब इसको धुल के जो है इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये सब्जी मसाला गोल्डी, थोड़ा सा कुटा लाल मिर्च, ये कैच का, इसको भूनेंगे हम अब तक इधर मिक्सी भून के रख दे रहे हैं। खुद ही साफ करते तुरंत रख देते हैं तो साफ साफ बना रहता है। अपने ही सारा काम करना रहता है, जैसे तुरंत साफ कर दो तो साफ साफ बना रहता है।
तब तक हम टमाटर काट ले रहे हैं। ये दो टमाटर हम लिए हैं, इसको हम काट लेंगे। दो टमाटर काट लिए हैं कटोरी में। ये मसाला मेरा भी भून रहा है, अभी भूना नहीं है। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर प्याज टिंडा जो भूले थे इसको हम तो भून लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी मेरा भुना हुआ नहीं है, थोड़ा सा और भून जाए। अभी देखो मसाला तेल छोड़ दिया है, डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी मेरा पड़ गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे सीटियां। अब चल रहे हैं दाल चौकने, इसके लिए हमने लहसुन छीला है। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। थोड़ा जीरा डालेंगे, दाल का तड़का हम रख दिए हैं, हो रहा है। अगर बच्चे मिर्चा ना खाते हो तो आप थोड़ा सा मिर्चा डाल सकते हैं, बहुत हल्का थोड़ा, उससे कड़वा नहीं होगा। अगर थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो उसमें मिर्चा भी डाल सकते हैं। हमने कुटी पाउडर लाल मिर्ची की रखी थी, उसको डाल दिया है। उसको हम छोंक देंगे, ऐसे बहुत टेस्टी दाल बनती है। छोंक दिया है दाल, इधर सब्जी में भी सीटी आ रही है, सब्जी हमारी होने वाली है। अब इसको थोड़ी देर में बंद कर देंगे गैस। अब इसको हम खाली कर लेंगे। ये चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमको तो टिंडा बहुत पसंद है, बहुत लोगों को टिंडा नहीं पसंद होता है, लेकिन हमको टिंडा का भरता, टिंडे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को ज़्यादा भरता अच्छा लगता है टिंडे का, लेकिन हमने आज सब्जी बना लिया है।
इस समय टिंडा भी मिल भी रहा है बहुत अच्छे एकदम ताज़ा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में सब्जी कैसी बनी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह सब्ज़ी कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आप लोग मेरे घर आते तो ज़रूर आप लोग बना के खिलाते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर करिए, मेरा साथ दीजिए। चावल धुल के चढ़ा दिए, अब चावल हो रहा है। अब बच्चे खाना निकाल के खा लेंगे, हम जल्दी से तैयार होकर स्मार्ट पॉइंट जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच आए हैं क्योंकि घर का थोड़ा सामान लेना था। अभी बच्चे यहाँ कुरकुरे या नमकीन वगैरह देख रहे हैं, नमकीन लेना है। बिटिया देख रही है कौन सा लेना है, कही है धरू ने। हमको तो चीज़ बाल बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के चीज़ बाल दो पैकेट ले रहे हैं। यहाँ पे लगभग सब चीज़ों में छूट रहता है, ऑफर रहता है, अच्छे प्राइस भी मिल जाते हैं। बच्चे उधर से आ रही है दूर के, रहे कोई सामान अपना। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब में ऑफर लगा है, लगभग रहता है ऑफर, अच्छे रेट में भी मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग तो ज़्यादा पीते नहीं हैं, छोटी वाली बिटिया पीती है, लेकिन ले नहीं जाएंगे यहाँ पे। ये नारियल पानी है, बहुत लोग पीते हैं कोकोनट पानी, वो यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट में लगभग सब सारा सामान अच्छे रेट पे मिल भी जाता है और जगह नहीं मिल पाता है। देखिए सारे नारियल पानी लगे हैं, और इधर पता नहीं क्या यस करके है, फ्रूटी टाइप का, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं था जितना अच्छा फ्रूटी का होता है। हम लोग तो फ्रूटी ही पीते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको काबुली चना लेना है, चीनी लेनी है, बच्चों को चिप्स लेनी है, छोटे छोटे पापड़ टाइप के आते हैं तलने वाले, यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। और थोड़ा सा दाग के लिए हमको न्यूट्रीनिगेट लेना है, उनको उबाल के देने से पौष्टिकता रहती है, हम खा भी लेते हैं बड़े प्रेम से। अभी बिटिया बिलिंग करा रही है, हम यहाँ बैठे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिए। आप लोग बताइए वीडियो कैसी बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग मेरी वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो गया, लास्ट टाइम नहीं पूरा हो गया है, आप लोग जब साथ देंगे तभी पूरा होगा। इसलिए आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे तब अच्छी अच्छी वीडियो ला पाएंगे। नमस्ते, राधे राधे।